जुले मास्क बोसा लाजात सोशल डिस्टेंसिंग बो राजात स्टे होम स्टे सेफ छंगमाला जुले। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। अब मैं फ्रेश होऊंगा, फिर पूजा करूंगा, फिर नाश्ता करूंगा, फिर उसके बाद 11:30 इतने बजे कॉलेज जाऊंगा, क्योंकि आज मेरा कॉलेज तो है नहीं, तो मुझे म्यूज़िक की क्लास लगानी है, क्योंकि एक हफ्ते बाद हम लोग फैमिली सारे ट्रिप बना रहे हैं जाने का बाहर, तो मुझे जाना पड़ सकता है कॉलेज से छुट्टी ले करके। तो मिलते हैं फ्रेश के बाद। ओके, तो मैं फ्रेश हो चुका हूँ और मैंने पूजा भी कर लिया है। तो अभी यहाँ पे बहुत धुआं धुआं हो गया, क्योंकि मैंने अभी धूप जलाया है। मैं बहुत लेट हो गया कॉलेज के लिए, टाइम का पता ही नहीं लगा कैसे बीत गया। मैं यहाँ पे काम कर रहा था और टाइम का पता ही नहीं लगा, अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं लेट हो गया फटाफट। ओके बाय दोस्तों, अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मम्मा यहाँ पे किचन में थे, मम्मा खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। ओके बाय मम्मा। ओके मिलते हैं कॉलेज में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अभी चौक में पहुंच चुका हूं, मगर मनीषा जी अभी तक नहीं आए, तो उनको इंतज़ार कर रहा हूं, तो पहले उनको फ़ोन करता हूं, ठीक है। तो मनीषा जी भी आ चुकी है, ये मेरी कज़न है, तो अब हम दोनों कॉलेज की ओर जा रहे हैं। ओके दोस्तों, हम बस के अंदर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एक भी सीट खाली थी, मैं को खड़ा खड़ा जाना पड़ रहा है। मनीषा जी यहाँ पे बैठ चुके हैं, इनका आज पेपर है। कितना पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा, 4 क्वेश्चन पढ़े हुए वो भी शायद ठीक से नहीं पढ़े हुए इन्होंने। तो मिलते कॉलेज। ओके बाय। तो हम अब बस से उतर चुके हैं, अब हम कॉलेज की ओर जा रहे हैं, तो बने रहिए। ओके तो दोस्तों, मैं और मेरी कज़न सिस्टर हम लोग ऊपर जा रहे हैं कॉलेज की ओर। तो आज मेरे साथ मेरे दोस्त नहीं है, क्योंकि आज हमारी क्लास ही नहीं लगती है। हमारी क्लास से हफ्ते में 2 दिन लगती है, शुक्र और शनिवार को। मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे म्यूज़िक की क्लास लगानी पड़ेगी, मैम ने बुलाया है। तो मिलते कॉलेज में। ओके दोस्तों, अब हम कॉलेज के अंदर एंट्री कर चुके हैं। कौन बोलेगा इसका पेपर, कितनी खुश कुछ भी नहीं पढ़ा ऊपर से देख के हंसी आ रही, देखो तो यार तो मिलते बाद में, पूछते जरा इनका पेपर कैसे गया था बाद में। पढ़ा तो वैसे कुछ नहीं इन्होंने, सिर्फ 4 क्वेश्चन। और पता है क्या सोच रही है, कि भगवान करे वही 4 क्वेश्चन पेपर में आए। आएगा वो, आएगा, आ भी जाएगा जितना याद किया है उतना तो लिखा नहीं जाएगा, गारंटी मेरी। भगवान करे वही 4 पेपर आए, क्वेश्चन पेपर आए, क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन आए, दोनों का बिस्ती हो जाए, मेरी बहन पास हो जाए, बहुत बड़ी बात है। ओके चलो मिलते हैं अंदर। ओके दोस्तों, यहाँ पे मेरी क्लास है म्यूज़िक की, और मनीषा जी अब जा रही है पेपर देने। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अच्छे से देना, बाय बाय। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। ओके बाय। Thank you.
तो दोस्तों 11 बजे से 2 बज गए, मैं अंदर ही था म्यूज़िक क्लास में, तो इनका भी ख़त्म हो गया पेपर, तो अब हम घर की ओर जा रहे हैं। ओके दोस्तों, अब हम घर जा रहे हैं कॉलेज से। ये मनीषा बिचारी, 4 क्वेश्चन पड़े थे, उनमें से चलो एक आया, वो भी बहुत बड़ी बात है। पेपर कैसे गया? सारा अटेम्प्ट किया, अच्छा गया। अपनी रामायण लिखी, कुछ भी नहीं आता था, हर कुछ लिखा, थोड़ा सा समझने की देरी थी। क्यों? फिर से बोल। क्यों? इंटेलिजेंट पर्सन। दोस्तों ये बॉयज़ हॉस्टल है सीमा कॉलेज का, और ये रास्ता अब हम सीधा जा रहे हैं नीचे, बस का इंतज़ार करेंगे। ओके मैं इनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, ये BTS के बहुत बड़े फैन है, खास करके वी के बहुत बड़े फैन। फैन तक तो ठीक था, मगर ये BTS के जो वी है ना, उससे शादी करना चाहते हो? बता शक्ल ऊपर से नीचे देख। वी मिला बस इनसे शादी करने के लिए, बस पूरे दुनिया में एक ही लड़का मिला वी, वो भी इनसे शादी करने के लिए। लाखों लड़कियां मरती होगी उसके पीछे, तो मैं तू डाल भी नहीं पाए। प्लीज श्योर, खुद को तो इसको लड़कियां पसंद नहीं आती है, बात करता है, क्योंकि सब बंदर जैसी होती है, एक भी सुंदरी बंदरी जैसी। ये अपने आप को भटूरे जैसा शक्ल वाली औरत, खुद का शक्ल भटूरे जैसा है, चपाती बनने में भी टाइम लग रहा है और मेरे को बोर रही है। खुद का गूंदे हुए आटे जैसा है, डोनी होती है डोनी। I worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired. I know you. खाली आज भी आज लगता है चोरी। बस आ गई दोस्तों। बस में बैठे हुए अभी। बस में बहुत शोर है, तो आप लोग बाहर का व्यू देखिए। तो हम जा सुबह थे, हम वहाँ वापस पहुँच चुके हैं, अभी अभी हम जस्ट बस से निकले हैं। मैंने सोचा था नदी के तरफ का व्यू दिखाऊंगा, आज मेरे को वो व्यू मिल चुका है। ओके मिलते बाद। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी बहन और मेरी बहन की दोस्त इधर है, अमीषा दी। इतना टाइम बाद मिले, हेलो नोनो। दिखाओ यार अपना सुंदर चेहरा, तो दिखाओ यार। शर्मा रहे, पता नहीं क्यों शर्मा रहे। गाइज ये इन लोगों का 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला सर्कल देख सकते हैं। है सुंदर जो मास्क उतार रहा है, चुईया सबके सब बंदर है ऐसे। पतले मोटे पूरे गैंग में एक ही बेचारी जो ज्यादा खाती है, बाकी पतले सब। Nothing but sheets in between us, ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no. दोस्तों अब मैं अपने घर पहुंच गया हूं, अब मैं जाता हूं चेंज करता हूं और कुछ खा लेता हूँ, बिकॉज मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह भी मैंने एक ही रोटी खाया था और दूध पिया था, उसके बाद से मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक, तो मिलते हैं। ओके बाय। तो दोस्तों 3 बज चुके हैं और अब मैं लंच कर रहा हूँ, तो लंच करने के बाद मैं जिम के लिए तैयार हो जाऊँगा, तो मिलते हैं बाद। तो दोस्तों ये मेरा लंच है,
ये आलू की सब्जी, रोटी, हरी चटनी, ज़्यादा कुछ नहीं। गरीब इंसान इतना ही खाते। दोस्तों अब मैंने लंच भी कर लिया है और अब मैं जिम के लिए रेडी हो गया। अब मैं जिम जाऊंगा, तो मिलते हैं जिम में। ओके बाय। तो दोस्तों अब हम जिम पहुंच चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे किम डेटा, ममता जी, हम सब लोग साथ में। अभी जिम में ज़्यादा लोग नहीं आए हुए, अभी कम है, तो अब हम वर्कआउट करेंगे, मिलते हैं जिम के बाद। आज मेरा ऐसे भी चेस्ट है, तो आप लोग को आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, देख लिया, मिलते जिम का। ओके बाय। दोस्तों ये पीयूष है, हमने यहाँ पे शर्ट रखी है कि कितने मिनट तक, दो मिनट तक ये अगर ऐसी लटका रहेगा तो हमारे तरफ से 500 रुपये इसको। अच्छा भी दिख रहा है देखिए। टाइमिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है बहुत पहले से, 5 सेकंड 6 सेकंड, और यहाँ पे पीयूष लटका हुआ है अभी भी, तो देखते हैं। हाथ में आ गई है इनकी थोड़ी थोड़ी। ये देखिए इनका कच्छा भी दिख रहा है, इनका पजामा भी छूट रहा है। यहाँ आ चुके हैं महान बॉडी बिल्डर अक्षु डिडवान। नहीं हो पाए रोज जो कंपटीशन होते हैं वो भी 100 सेकंड से होते जा करने के। तू क्या सोच रहा है, तू कंपटीशन वालों पर आएगा मैं जज बढ़ाना। 140 हेलो अभिषेक भाई, 40 सेकंड तो बन गया। आ रो फोन पे, ओए रुक रुक रुक, एक मिनट भी ठीक से नहीं टिका ये लड़का, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आप। दोस्तों ये एक मिनट भी ठीक से नहीं टिक सका और हमारा प्रेम गुरु फिर से आ गया है यहाँ पे, टॉयलेट जा रहा है, इसके साथ इसका बर्बाद आ गया, ये बर्बाद। मामटा जी ने आज कुछ भी नहीं किया हमारे साथ, ऐसे ही थे बैठे हुए। किम टेटा यहाँ पे बिल्ली के साथ खेल रहा है और बिल्ली इसके सीधा शोल्डर में जाकर बैठी। वहाँ देखो इस बिल्ली को हमारे नवीन भाई जी लाए थे, पीयूष ने इसको पहचान लिया। हमारे क्या नाम है भाई, और क्या बोलते हैं ये थे हनी भाई, मेरे मोटिवेशनल थे। उनकी बॉडी पहले बहुत अच्छी थी, शायद मेरी नजर में थी, जो कि आप बहुत पतले हो गए पता नहीं किसकी नजर। नवीन भैया ये बिल्ली लाए हुए, पता नहीं कहाँ से लाए हुए, बहुत प्यारी सी है। हेलो, कितनी प्यारी है बिल्ली का बच्चा लेके आए हुए नवीन भाई। दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके बाय। दोस्तों हमारा हो गया, अब हम घर जा रहे हैं, तो घर नंगी बोलता है। ओके बाय का। दोस्तों मैं अभी अभी अपने घर पहुंच गया हूँ और अब मैं जल्दी जल्दी चेंज कर लेता हूँ और फिर अभी पूजा करूँगा थोड़ी देर बाद। ओके मिलते बाद में, बाय। तो अब मैंने पूजा भी कर लिया है और अब मैं जाऊँगा बाहर परिवार वालों के साथ बैठते ज़रा थोड़ी देर। ओके बाय। तो अब हम अपने परिवार वालों के साथ बैठेंगे थोड़ी देर, ये भी पीछे ही रहती है हमेशा मिलना नहीं, तो अब हम लोग यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर बातें करेंगे, मिलते हैं बाद में। दोस्तों अब हम सब लोग डिनर कर रहे हैं पर मम्मा आ नहीं रही, मम्मा अपने कमरे में बैठे हुए। मम्मा चलो ना, नहीं मैं थक गई हूँ, चलो ना मम्मा प्लीज, मैं बहुत थक गई आज। सब लोग बैठेंगे साथ में डिनर करेंगे, चलो। तो मम्मा नहीं आ रही है तो अब हम लोग डिनर करेंगे। ओके बाय। तो दोस्तों अब हमने डिनर भी कर लिया है, अब बारी आती है फिर से मेरे बर्तन धोने की, अब मैं चला बर्तन धोने। ओके टाटा। फिर से बोलना इतने इंसल्ट मत क्या करो, बर्तन तो सभी धो लेते। अच्छा तो मेरे को क्यों बर्तन धुलाते इतना, तो आपकी शौक है बर्तन धोने का, ताकि नानी को भाई तंग ना करे, नानी के लिए भाई उनको भाई बहुत तकलीफ होती है, दीदी भी धोती है बर्तन। सुना सुना, झूठ है ये सब कुछ। अच्छा
हाँ जी ऐसा ना बोलो। तो चलते अब धोते अब बर्तन। ओके तो दोस्तों अब मैं फिर से बर्तन धोने जा रहा हूँ, देखते रहिए और ये वाला गाना आज बजाया जाए। मैंने अब बर्तन भी धो लिया है, अब बारी आई सोने की। तो अब मैं सो रहा हूँ, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ओके मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय गुड नाइट। बस में बैठने के लिए सीट नहीं है, मुझे खड़े खड़े जाना पड़ेगा। एक सेकंड मंजिल तो पहुँच गई। Thank you.